पहला तो सबने नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी जेमणे आखी राजनीति नी तासीर बदली नाखी, हूँ अने एक एक गुजराती एमने सौथी पहला नमस्कार करी छे, वंदन करीए छे। तो हाँ, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बदलने के लिए निकले, मेरे जैसे छोटे किसान परिवार का बेटा आज अरविंद जी की राजनीति में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक ये रहा है, क्या आप कोई बड़े मिक्स बोलता रहीस, हाँ मिक्स रहसे गुजराती में पण रहसे ने वच्चे वच्चे इंग्लिश में पण शब्द कदाच बे आवी जशे। मित्रों सवाल ई छे के जारे हूँ खेडूतो माटे अवाज उठावतो हतो, आउटसोर्सिंग कर्मचारीओ माटे अवाज उठावतो हतो, ખેડૂતો તો મારા દિલના પ્રાણ છે, સેંકડો ખેડૂતો એક આશાની ઉમેદ લઈને બેઠા હોય, મારા સ્ટુડિયો આવતા હોય, એક નાની ઉંમરમાં ઈશ્વરે મને ખૂબ મોટી જવાબદારી ચેનલ હેડ બનાવીને પણ આપી હતી, પણ કંઈક ખૂટતું હતું। હું સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક જીવ છું, કર્મના સિદ્ધાંતમાં માનું છું, હું ખરાબ ક્યારે કોઈનું કરતો નથી। मैं ईश्वर से हर हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, जितना हो सके मैं भला करने की कोशिश करूं। मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दे। જ્યારે જ્યારે કોરોના આવ્યું, ખેડૂતોની વાત હતી, બેરોજગાર યુવાનો માટે પેપર લીક થતા હતા, વારે વારે આ પરિસ્થિતિ રહેતી હતી, અને એક દિવસ મને એવું લાગ્યું કે ઈશ્વરે મને કંઈક વધારે કહેવાનું, કારણ કે હું સેફ નોકરી હતી, સ્ટુડિયોમાં નોકરી હતી, સ્વાભાવિક તોર પર તમે શો પૂરો કરીને જવાબદારીમાંથી છટકી જાઓ। જ્યારે આઉટડોર શો કર્યું ત્યારે પણ હજારો કી ભીડ અપને આપ આને લગી, ઓર સિર્ફ યહી કે હમેરા કુછ ભલા કરીએ। ત્યારે મેં વિચાર કર્યું કે ટોર્ચ ઉપર હતો, મને ઘણા બધા એવું કહેતા હતા કે તમે મૂર્ખ છો, ટોર્ચ ઉપર છો, પણ જે દિવસે મેં નક્કી કર્યું કે મારે સેફ નોકરી છોડી દેવી છે, ને એકવાર મારે જોવું છે કે ખરેખર ગુજરાતની જનતા માટે આપણે શું કરી શકીએ। મેં જ્યારે રાજીનામું આપ્યું, ભાઈ શ્રી ગોપાલભાઈ અને ગુલાબસિંહજી બંને મારી પાસે આવ્યા, અરવિંદજીનો ફોન આવ્યો કે સુદાન આપકો રાજનીતિમાં આના ચાહીએ। મેં કહ્યું કે સાહેબ મેં તો જિંદગી મેં મેરે કોઈ પરિવાર મેં સરપંચ તક નહીં બનાયા, ઓર રાજનીતિ મેં ક્યું। તબ અરવિંદજીને કહા कि देखो अगर आप शो चलाते हो, आप आवाज तो उठाओगे, लेकिन ये निर्भर सिस्टम आपको वो काम करके नहीं देगी जो करना चाहते हैं, इसलिए सिस्टम में जाना पड़ेगा। अरविंद जी ने कहा कि देखो अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो आप मुझे बताओ कि क्या दिल्ली की अच्छी स्कूलें होती। आप एक बार स्कूलें देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, मैंने देखा भी, वहां जाकर देखा, और तब मैंने तय किया कि ठीक है मैं राजनीति में आना नहीं चाहता हूं। राजनीति हर हमेशा अच्छे लोगों की मजबूरी होती है, राजनीति शौक नहीं होता है। और उस दिन अरविंद जी ने भी यही कहा कि देखो मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर था, इस सुदान मैं भी अच्छी खासी जिंदगी जीता था,
लेकिन वो मेरे परिवार तक सीमित होती। आज मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्यों? महिलाएं के लिए बस सुविधा फ्री कर सकता हूँ, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, एक ऑटो वाला बच्चा जब पढ़ के बहुत बड़ा बनता है तो मुझे कितना आशीर्वाद मिलते होंगे। तुझ जैसे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। और तब मैंने तय किया कि मैं राजनीति करूंगा। राजनीति मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। गुजरात की जनता की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैंने पहले भी कहा कि मैं कर्म के सिद्धांत में मानता हूं। मैं कहीं आज तक जब भी मैंने पत्रकारिता की तब भी मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता था। किसानों की एक कॉलम जो न्यूज नहीं छापते थे, मैंने कितने सैकड़ों सौ किए होंगे। किसानों की आवाज बनने की कोशिश की, बेरोजगारों की आवाज बनने की कोशिश की, महिलाओं की जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है उसकी आवाज बनने की कोशिश की, व्यापारियों की आवाज बनने की कोशिश की, श्रमिक मजदूरों की आवाज बनने की कोशिश की, सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज बनने की कोशिश की। मुझसे जितना हो पाता था मैंने किया। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, आप वहां न्यूज चला सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते। और सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि सिस्टम को साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए आपको गंदगी में उतरना पड़ता है। और तब मुझे अरविंद जी ने कहा कि देखो, गंदगी अगर साफ करनी है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, चाहे आपको जो भी लोग गालियां दे, मुझे भी देते हैं। लेकिन ये लोग जो गालियां देते हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं, जनता कभी गालियां नहीं देती, वो तो सिर पे बिठाती है। मुझे भी दिल्ली में देख लीजिए आप। और तब मैंने तय किया कि मैं राजनीति में आऊंगा। आज मेरी माता जी यहां बैठी है। मैं सामान्य किसान परिवार में से आता हूं, मेरा छोटा सा गांव है। मैं पढ़ा लिखा, मेरे बापूजी ने मुझे बहुत पढ़ाया। मेरा बापूजी माताजी के भक्त थे। नवरात्रि के 9 दिन वो पूरे माताजी के मंदिर में बैठकर दिया जलाकर 9 दिन सालों से प्रार्थना करते थे। और उनके जाने के बाद जब उनकी डेथ हुई तब उन्होंने कहा था, मैंने तो तब भी तय कर लिया था, मैं रिजाइन रखकर चला गया था, मुझे मेरे पापा की सेवा करनी है। लेकिन उस दिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तुझे वापस जाना, गांव से तुझे वापस अहमदाबाद जाना है। मैंने कहा कि मैं बापूजी जाऊंगा, मैंने रिजाइन रखा है, वो एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं छुट्टी पे हूं। जब उनकी देहांत हुई तब उन्होंने कहा कि तुझे वापस जाना है, मुझे वचन दे। मैंने उनको वचन दिया था कि मैं वापस जाऊंगा, मुद्दों की पत्रकारिता करूंगा। और आज मैं उनको मिस करता हूं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पे हर हमेश है। माँ मोगल माँ, कामई माँ, सोनल माँ और द्वारकाधीश का आशीर्वाद मेरे पे। मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं साधारण सा लड़का हूं। मैंने कहा कि पत्रकारिता आने के बावजूद एक शो इतना चले कि लाखों लोग आपको प्यार करें, ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे अरविंद जी में ये लगी कि उन्होंने जो राजनीति करने के नहीं बदलने के आए हैं, आज मैं और गोपाल भाई और सब जो आज योद्धा जुड़े हैं, मान साहब है यहाँ, सब बैठे हैं, आप देखो सबके सब, अल्पेश भाई है, मनोज भाई है, गुलाब भाई है, युवराज है, राजू भाई है, किशोर काका है, सबके सब, जगमाल भाई, सब आम आदमी है। और आम आदमी को ये 32-33 साल का हमारे प्रेसिडेंट है गोपाल भाई, हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी होगी गुजरात में जो 32 साल के युवा को अध्यक्ष बनाती है, मैं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को सलाम करता हूं। ऐसा नहीं था कि मेरे पास और भी राजनीति के लोग नहीं आए होंगे, लेकिन मैंने कहा कि राजनीति मेरी मजबूरी है, राजनीति शौक नहीं है। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर गुजरात की जनता के लिए आया हूं। और मैं गुजरात की जनता को ईश्वर की साक्षी में एक वादा करता हूं,
कि मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपनों के लिए नहीं आया हूं, मेरे परिवार भी बैठे हैं। जब उनको भी पता नहीं था मैं राजनीति में जा रहा हूं, दो दिन तक मैंने उनको मनाया कि देखो मैं 39 का हो गया हूं, मेरे पास 20 साल है। 20 साल के बाद 60 के बाद अगर एक दिन भी कोई जीता है ना तो मैं मानता हूं कि वो बोनस है। ईश्वर बार बार मनुष्य अवतार नहीं देता है, इस धरती पर हम आए कुछ कर कर जाना है। मैंने उन लोगों को कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप क्या करोगे, उससे अच्छा है मुझे जनता के सेवा के लिए अनुमति दीजिए। मैं किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, इनकी पीड़ा मुझे देखी नहीं जा सकती। मैं रात में दोस्तों किसान जब आते थे मेरे स्टूडियो पे, 50-50, 100-100 लोग डेली आते थे छोटी छोटी समस्याएं लेकर। सब तो मैं करवा नहीं सकता था, सरकार थी दूसरी, लेकिन रात को कभी मैं रो पड़ता था। मैंने रात को मेरे पेन और बुक मेरे पास रहती थी, रात को 3-4 बजे जब मैं उठ जाता था तो मैं लिख लेता था, एक पॉलिसियां लिखता था, हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एंटी करप्शन पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं लिखता था। और मैंने पॉलिटिकल पार्टियों को भी बोला कि ये आप लागू करिए, कोई ने नहीं माना। तब मुझे लगा कि जब अरविंद जी का फोन आया कि सुदान तेरी गुजरात के वासियों इंतजार कर रहे हैं आप जैसे लोगों की, और हम अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं गए ना तो ये लोग लूट लेंगे। मैं किसानों को वादा करता हूं कि आपका भाई आपके लिए अब तक टीवी में आवाज उठाता था। अगर ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने चाहा, माताजी ने चाहा और एक किसान पूरे गुजरात के एक हो गए और आपने वोटिंग की, व्यापारियों आपको भी मैं कहता हूं आपने व्यापारी बनकर वोटिंग की, बेरोजगार युवाओं अगर बेरोजगार युवा बनकर वोटिंग की, महिलाएं माता बहन बेटियां अगर माता बहन बेटियां बनकर दोनों पक्ष को भूलकर आम आदमी के लिए वोटिंग की, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 75 साल में अगर गुजरात में कुछ नहीं हुआ है, अगर ये 5 साल में अरविंद जी के अगुवाई में जो कर ना दिखाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आपको मैं ये गारंटी देता हूं। मेरे लिए कभी कुछ अब मेरे लिए नहीं रहा है, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है। मैं राजनीति में आया, जिस तरह से मेरे पे हमले हुए, आरोप पे लगे, मेरा फैमिली भी एक टाइम पे डर गया था कि क्या यार कीचड़ में पड़ गए। मैंने कहा कि ये तो होगा अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये बोलते कि नहीं नहीं ये तो चलेगा, तो आज देश के लिए जो आग लगनी चाहिए वो आग नहीं लगी हुई। महात्मा गांधी अगर सोचते कि मैं तो साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा कमा रहा हूं, मुझे इंडिया जाकर क्या करना है, सब गुलाम है, सालों से चलता आ रहा है, तो शायद देश आजाद तो होगा, होता लेकिन लेट होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ये सोचते कि मुझे क्या है, तो मैं मानता हूं कि देश जिस दिन आजाद होना चाहिए था तब नहीं होता। इसलिए मैं सबका आभारी हूं, जिसने वोटिंग की उसका भी आभारी हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मुख्यमंत्री मैं नहीं, अगर आम आदमी की सरकार बनती है तो 6.5 करोड़ जनता मुख्यमंत्री की शपथ लेगी, ये गारंटी लेगी। और अरविंद जी एक ऐसे नेता है हिंदुस्तान में, काम की राजनीति से वोट मांगते हैं, भ्रमित मत होना। अरविंद जी को गालियां देते हैं, मुझे गालियां देते हैं, गोपाल भाई को देते हैं लोग, पॉलिटिकल पार्टी वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं आम जनता को एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं, किसानों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपको बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहे, भाव नहीं, दाम नहीं मिल रहे हैं, एक बार मौका दीजिएगा, अगली दिवाली अगर आपको दाम नहीं मिले ना तो लात मारकर आम आदमी पार्टी को निकाल देना, ये मेरा वादा है आपके पास। व्यापारियों को जिस तरह से डराया जाता है, परेशान किया जाता है, छोटे उद्योगों को, मुझे पता है जीपीसीबी से नोटिस जाए, फिर पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं नोटिस आया है, सेटिंग कर दूं क्या। मैं उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगपतियों को गारंटी देता हूं, आपने अगर गलत नहीं किया ना तो किसी की ताकत नहीं आपको नोटिस भेज सके, ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी साहब। देखो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आज अमेरिका, जापान, ये देश आगे क्यों है,
हम 75 साल से हम ये भुगत रहे हैं, गरीब है, 80 करोड़ जनता गरीब है देश की। क्यों दोस्तों? इसलिए है कि अगर मैं पॉलिटिकल सत्ताधीश पार्टी में हूं, उसको सपोर्ट करता हूं, तो चाहे मैं जितना भी चाहे गलत काम कर लूं, करप्शन कर लूं, मुझे कोई ईडी इनकम टैक्स नहीं आता है। अगर मैं विपक्ष में हूं, कुछ भी ना करूं, तो भी ईडी इनकम टैक्स उठाकर ले जाते हैं। सिस्टम ऐसी नहीं होनी चाहिए। अरविंद जी और हम वादा करते हैं आपको, गुजरात की जनता को, कि अगर आप सच्चे होंगे तो आप हमें, हमारे खिलाफ भी होंगे ना, तो भी कोई ऑफिसर औकाद नहीं है आपको, आपको डराने के लिए आपके घर पे आए, दुकान पे आए। और आप अगर गलत होंगे तो मेरा भाई भी होगा ना, या आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री भी होगा ना, वो भी जेल में होगा। ऐसी कानून व्यवस्था लाएंगे। लेकिन एक बार भ्रमित होने से पहले एक बार ये सोच लीजिएगा, दूसरी पार्टियां ने क्या किया है आपने देख लिया है। आज मैं आह्वान करता हूं पूरे गुजरात को, भाजपा के पन्ने प्रमुख को आह्वान करता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं, कि एक बार हिंदुस्तान में गुजरात से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, आप इसका सहभागी बनिए। अभी देखो मोरबी में जो दुर्घटनाएं हुई, मैं ये मान रहा हूं कि दुर्घटना हुई उसके बाद कार्यवाही क्या हुई। सूरत में तक्षशिला कांड हुआ, 22 बच्चे जिंदा जल गए, कार्यवाही क्या हुई। मैं ये मान रहा हूं कि अगर भाजपा को वोट देंगे तो आप मानकर चलना कि आप भी उस पाप के भागीदार है जो इन्होंने कांड किए हैं। इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूं, आज इस बार पार्टी भूल जाइए, आपके बच्चों के लिए वोट करना, आपके भविष्य के लिए वोट करना। और एक मौका ही मांग रहे हैं 5 साल में, और क्या है, 75 साल तो दे दिए, 5 साल और उनको दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। लेकिन अरविंद जी हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज मैं उनका कायर क्यों हूं। वो मेरे सिर्फ ना ही गुरु है, पॉलिटिकल गुरु सिर्फ ना ही है, मेरे बड़े भाई है, मेरे परिवार जैसे। उन्होंने 2015 में कहा था दिल्ली वासियों को, मुझे एक मौका दीजिए, अगर अच्छा काम ना करूं तो मुझे निकाल दीजिएगा। 2022 में हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता था, उन्होंने कहा कि मैंने आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अच्छा काम किया हो तो मुझे वोट देना, बाकी दूसरी पार्टियों को दे देना। कौन कहता है साहब? और अगर हमने काम की राजनीति को वोट नहीं दिया ना, तो अरविंद जी से दोबारा कोई नेता काम की राजनीति को लेकर वोट मांगने नहीं आएंगे, अपने को झगड़ा कर वोट ले लेंगे। तो मेरी आपसे विनती है पूरे गुजरात वासियों से कि काम की राजनीति के नाम पर पहली बार ये नई राजनीति होने जा रही है। आपके अच्छे बच्चों को लेकर स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, ये सब काम 5 साल में इतना करेंगे। भगवत मान साहब देखिए, 7 महीने के अंदर यहां वोट मांगते हैं तो काम पे वोट मांगते हैं। कि मैंने 49 लाख पंजाब वासियों का अगर लाइट बिल, बिजली बिल जीरो कर दिया है तो मुझे वोट देना। ये होती है काम की राजनीति, आम आदमी की, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति। और दूसरी पार्टी वाले आएंगे बोलेंगे मैं आपकी कास्ट का हूं इसलिए वोट दे। लेकिन एक बात आप तय कर लेना, आपकी कास्ट का होगा तो पहली मार्च से बिजली बिल देने नहीं आएगा, आपका भाई भी नहीं आएगा। एक हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कि जो आपकी महंगाई में भी राहत दे सकती है। तो मेरी विनती है, हाथ जोड़कर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फिर से अरविंद केजरीवाल जी का, कि आप जैसे नेताओं ने पूरे देश की राजनीति बदल दी। मेरे जैसे किसान छोटे के, गोपाल भाई जैसे छोटे परिवार में से आने वालों को आपने बहुत बड़ी तक दिए। मैं आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, जब तक मेरे जीवन में प्राण है तब तक सुदान गढ़वी वफादारी से गुजरात की जनता के लिए काम करेगा, मैं आश्वासन देता हूं आपको। और गुजरात की जनता के लिए चाहे मुझे गोलियां खानी पड़े, मेरे पे हमले हुए, आरोप लगे, जो भी है, गोलियां खानी पड़े मैं खाऊंगा, लेकिन गुजरात की जनता के लिए हम एकजुट होकर काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।